क्वेश्चन दिया है, जो पिछला वाला प्रॉब्लम था क्वेश्चन नंबर 6, इफ द रोड ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम इज हॉरिजॉन्टल, तो पिछला वाला जो प्रॉब्लम था उसमें रोड क्या था, कैसा था? रोड ऐसा था, यानी कि हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल किया था। पर क्वेश्चन दिया है रोड एकदम हॉरिजॉन्टल है, या एंगल नहीं है, बैंकिंग नहीं है। सो क्वेश्चन पूछा है व्हाट शुड बी द मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हीकल सो दैट द व्हीकल विल मूव विथ ए वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर डज नॉट स्किड। रेडियस का वैल्यू दिया है आर, आर का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर और कितना वेलोसिटी में जा रहा है 18 किलोमीटर पर आवर, तो है 18 × 5/18 मीटर पर सेकंड, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड। तो अभी कुछ बैंकिंग नहीं है, हॉरिजॉन्टल के ऊपर स्कूटर जाएगा या व्हीकल जाएगा। इस व्हीकल को इधर यदि फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे, हम मान लेते हैं ये हॉरिजॉन्टल है और ये है स्कूटर, उसका मास एम है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर जाएगा और वेट अंदर जाएगा। हम दिखा देते हैं, वेट नीचे आएगा और क्योंकि ये प्लेस है सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल रिएक्शन, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से आवे पड़ेगा, कितना पड़ेगा mv²/r, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर पड़ेगा तो स्कूटर यहां स्कीड करेगा इस डायरेक्शन में, सेंटर से आवे स्कीड करेगा, उसको अपोज कौन करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू होता है म्यू एन, हमेशा म्यू एन उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है म्यू एन, तो एन के वैल्यू क्या है एमजी, तो म्यू एन, एन इज इक्वल टू एमजी, वर्टिकल इक्वेशन लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल लिखेंगे तो म्यू एन इज इक्वल टू mv²/r। अभी n के जगह mg पकाएंगे, तो देखिए म्यू mg इज इक्वल टू mv²/r, इट इंप्लाइज ये mm कट गया, तो म्यू कितना हुआ v²/rg, यानी कि v के जगह 5²/r के जगह 10 × 10, जी के वैल्यू 10, ये आपका आ गया 5² 25/100 इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू 0.25। तो स्कूटर और सरफेस के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू 0.25 होगा, तो स्कूटर स्कीड नहीं करेगा, आराम से जा सकता है। चेक कर देते हैं 0.25, ठीक,